चैताड़ी मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक नवजात बच्चे को चूहों ने कुतरकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार देवरी के रहने वाले सकल देव सिंह की बहन, जिसका ससुराल डुमरी है, उन्होंने 3 दिन पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया। जन्म के बाद देखभाल के लिए नवजात को SNCU में भर्ती किया गया था, जहां बच्चे की देखभाल में लापरवाही बरती गई और चूहों ने नवजात के शरीर को कुतरकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी JMM नेता मामले की जानकारी झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह को दिया। वहीं सूचना पाकर जिला 20 सूत्री समिति की टीम चैताडी स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के लिए पहुंची। वहीं निरीक्षण के दौरान देखा गया कि बच्चे के पूरे शरीर में चूहे के कुतरने का दाग है और कई जगहों पर जख्म के भी निशान पाए गए। इधर नवजात के गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सिविल सर्जन को जम कर फटकार लगाया। कहा कि हर महीने करोड़ों रुपए आउटसोर्सिंग मद में भुगतान किया जाता है, इसके बाद भी इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। हालांकि इस दौरान सिविल सर्जन ने स्वीकारा कि चूक हुई है और जो भी इस घटना के जिम्मेवार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर JMM के जिला अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, JMM नेता अजीत कुमार पप्पू, अभय सिंह, कुमार गौरव समेत कई नेता शामिल थे। बात नहीं है, मैं सदर अस्पताल भी चलूंगा। आपका जो बुरा स्थिति अस्पताल का है, एकदम कवारा बन गया है अस्पताल। आप आउटसोर्सिंग में 8 करोड़ रुपया सालाना खर्च करते हैं, अस्पताल में सफाई नहीं है। हम लोग आए हुए हैं और सरकार को हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, ये गंभीर मामला है। उसके परिजन भी हमको फोन किए थे, हमको फोटो भेजा है, बच्चे का फोटो देखिए, धन्यवाद से फोटो भेजा है।